far we have studied the different aspects of federation, that were the coming together and holding together federations. Now what we are going to study is what makes India a federal country. एक important question है, कई बार आपसे exam में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है? तो independence के time पे हम जाते हैं, क्या हुआ था? बहुत मुश्किल से इंडिपेंडेंस मिला है, और इंडिपेंडेंस के बाद भी एक बड़ी पार्टीशन हुआ था हमारी कंट्री, दो पार्ट्स पर डिवाइडेड हुई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान. अब जब डिविशन हुआ, पार्टीशन हुआ कंट्री का, तो बेसिकली क्या चीज़ थी वहाँ पे, किस वजह से जो है डिविशन हुआ था? रिलीजन. रिलीजन की वजह से डिविशन हुआ था, इस्लाम एंड हिंदुइज्म, ठीक है? सेम जो है आज की डेट में भी अगर हम देखें, इंडिया की बात करें, तो इतने सारे वैराइटीज ऑफ पीपल who are following different religion, culture, उन सबको एक साथ में रखना, ताकि अशांति बनी रहे कंट्री में, किसी को ये ना लगे कि हमें जो है नीचे करा जा रहा है, किसी और को ऊपर करा जा रहा है. ये सारी चीज़ें मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर एक अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना, ये गवर्नमेंट के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क था. तो उस टास्क को अचीव किस तरीके से करा गवर्नमेंट ने? वे फेडरलिज्म, ठीक है? फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारी कंट्री का, वो गारंटी कर रहा था हर सिटीजन को, वेदर ही इज अ हिंदू और अ मुस्लिम और इधर फॉलोइंग एनी ऑफ द रिलीजन विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप सेफ है इंडिया में, आपको हम जितने भी आपके राइट्स हैं, जो भी जितने भी इंडिया में जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, उन सबको कुछ राइट्स दिए जा रहे हैं, ताकि वो आराम से यहाँ पे रह सकें, ठीक है? अब जो फेडरल कंट्री जो है इंडिया, किस बेसिस पे हुई? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसे फॉलो किया गया, जिसे माना गया कि हाँ इसके बेसिस पे जो भी रूल्स होंगे वो इसके बेसिस से मानेंगे, जिसमें किसी भी तरीके की जो है अनफेयर मीन्स यूज नहीं होंगे, किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे जो है नीचे नहीं दिखाया जाएगा या ऊपर नहीं उठाया जाएगा, ठीक है? सब जो है लॉ के सामने सब लोग इक्वल रहेंगे, ठीक? अब इंडिया में ऑलरेडी दो लेवल, जैसे हमने देखा कि टू टीयर्स गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके बाद हम देखते हैं कि फेडरलिज्म किस तरीके से और जो है अलग अलग मेथड्स हैं जहाँ पे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है. तो सबसे पहले जो हमने देखा था कि सेंट्रल लेवल, तो सेंट्रल लेवल से जो है लिस्ट बनी कि यूनियन लिस्ट, ठीक? अब ये यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट क्या रहेगी, किन किन मैटर्स में अपना ध्यान रखेगी, कि जो भी डिफेंस है, जो भी फॉरेन अफेयर्स है, या फिर बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें किसके अंडर में रहेंगी? जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगी, कंट्री में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. कोई और कंट्री अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप अवेयर हो कि नहीं, इंटेलिजेंस, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है. फिर फॉरेन अफेयर्स की, किस कंट्री के साथ किस तरीके के जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेशंस हैं, या फिर क्या चीज़ें आपको कंट्री में इंपोर्ट करानी, एक्सपोर्ट करानी है, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? फॉरेन अफेयर्स वाला जो मिनिस्ट्री होगी वो ये सब चीज़ें देखेगी. इसके बाद बैंकिंग किस तरीके से, पूरा जो RBI है वो सब मेंशन करके रखना कि क्या क्या चीज़ें जो है बैंक्स के अंडर आनी चाहिए. ये सारा फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है, बैंकिंग है, ये सब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी. इसके बाद कम्युनिकेशन, किस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें मीडिया आ जाएगा पूरा, जो प्रिंट मीडिया है, ये सारी चीज़ें, सेलफोन, ये सब जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं मास मीडिया में, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन किस में आएगी, ये सब भी जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर होती है, ठीक है? अब यूनियन लिस्ट के बाद आएगी अनदर लिस्ट, स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगी. अब स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें देखेगी, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट देखेगी जो भी पुलिस है, हेल्थ फैसिलिटीज़ किस तरीके से आ रही हैं, ट्रेड किस तरीके से हो रहा है, एग्रीकल्चर, जो भी किसान है उस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं उनको किस तरीके से एग्रीकल्चर में बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उनकी एग्रीकल्चर को ऊपर उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके आ रही है, क्या क्या इरिगेशनल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है किसानों को, कॉमर्स सेक्टर किस तरीके से फ्लरिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? स्टेट लिस्ट, ठीक है? इसके बाद एक और लिस्ट है, वो है कॉन्करेंट लिस्ट. अभी कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो यूनियन और स्टेट लिस्ट जो है दोनों मिलकर लेंगे. अब इसके अंदर क्या होगा, किन किन चीज़ों से रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे? पहला होगा एजुकेशन, फिर फॉरेस्ट्री, ट्रेड यूनियन, अडॉप्शन, मैरिज, तो इससे रिलेटेड कुछ भी रूल्स बनाने हैं,
कोई केस है, ये सारी चीजें कौन सॉल्व करेगा, कॉन्करेंट लिस्ट सॉल्व करेगी। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो है यूनियन और स्टेट लिस्ट दोनों मिलके इसका काम करती है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है कि नहीं दोनों जो है मिलकर एक डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं, तो एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि यूनियन जो लिस्ट होती है ये, या फिर जो सेंट्रल लिस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से जो है ज्यादा पावरफुल होती है। तो ऐसे केसेस में जब एक प्रॉपर डिसीशन पे जो है सब लोग नहीं रीच आउट कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो भी वो डिसीशन लेगी वो सबसे ऊपर होगा, और फिर दूसरी जो भी स्टेट्स हैं वो उस डिसीशन को मान के आगे का एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है इंडिया को एक फेडरलिज्म गवर्नमेंट बनाती है कि हाँ इंडिया में जो है एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे फेडरलिज्म अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस हो रहा है। अब इसके बाद फेडरलिज्म के और भी एस्पेक्ट्स हैं जो हम देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि सेंट्रल या स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट तीनों में कहीं पे भी फॉल नहीं होते हैं, तो ऐसी चीजों को बोला जाता है रेसिड्यूरी लिस्ट या टॉपिक्स। तो ये जो भी चीजें होती है इनके ऊपर एक्शन कौन लेता है, जो सेंट्रल या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो इन चीजों के ऊपर सारे एक्शन जो है लेती है। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड वी नो दैट इंडिया होल्ड्स अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक एस्पेक्ट ये भी है कि यहाँ पर जो भी कॉन्करेंट स्टेट्स होते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स होते हैं, उन्हें इतना पावर नहीं मिलता जितना सेंट्रल लेवल के पास होता है। ठीक है, और इनफैक्ट जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उन स्टेट्स के पास भी सेम है कि सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होता, किसी स्टेट के पास थोड़ा ज्यादा होता है, किसी के पास थोड़ा कम होता है, ये भी एक है। एरिया वाइज भी डिपेंड करता है, या फिर गवर्नमेंट किस तरह की किस स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ रही है इसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि स्टेट के पास कितने पावर्स है, पॉलिटिकली स्टेट्स के पास जो है कितने पावर है कितने नहीं है। ठीक है, अब आज से कई साल पहले जो नया अभी जो मोदी गवर्नमेंट है वो कुछ चेंजेस लेकर आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आज से अभी नॉर्मल बात करें, जब ये सेक्शन हटा जम्मू एंड कश्मीर का केस है कि कुछ टाइम पहले तक जम्मू एंड कश्मीर डिस्पाइट बीइंग स्टेट ऑफ इंडिया इसको स्पेशल स्टेट का जो है दर्जा मिला हुआ था कि जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेट है, मतलब इंडियन सिटीजंस जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रहते हैं, भले ही जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है पर वो सिटीजन जो जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं वो जम्मू कश्मीर में जाके कभी भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, ये सारे वहां के कुछ वो थे, इसको स्पेशल स्टेट का वो प्रोविजन मिला हुआ था। यहाँ पे रहने वाला कोई भी रेसिडेंट वो इंडिया के किसी भी पार्ट में आके पढ़ सकता है, जमीन खरीद सकता है, जो भी बिजनेस करना है वो कर सकता है, पर कोई और पर्सन अगर जाके ऐसा करना चाहे जम्मू कश्मीर में तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये जो स्पेशल स्टेट का जो भी पावर मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, अभी रिसेंटली से जो है यहाँ से हटा दिया गया है, और जम्मू एंड कश्मीर को भी जो है मेन स्ट्रीम में जो है मेन स्ट्रीम जो स्टेट है उसमें लेकर गवर्नमेंट आ गई है। ठीक है, ताकि कल्चरली या इकोनॉमिकली देखा जाए तो इस स्टेट का भी जो है डेवलपमेंट रुका हुआ था बहुत टाइम से, टेररिस्ट अटैक्स वहाँ पे कॉन्स्टेंटली होते थे, पुलिस ठीक से काम नहीं कर पाती थी, मिलिट्री ठीक से काम नहीं कर पाती थी, डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, लोगों के एजुकेशन नहीं, लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती थी क्योंकि कॉन्स्टेंटली टेररिस्ट अटैक्स वहाँ पे हो रहे होते थे। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए प्रॉपर जो है कुछ स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हुए गवर्नमेंट ने जो है इसका जो भी स्पेशल स्टेट का पावर था उससे लेते हुए इसे मेन स्ट्रीम स्टेट में लाके रख दिया। ठीक है, अब पहला तो जम्मू कश्मीर का केस है कि स्पेशल पावर इसे मिले हुए थे। अब एक और केस है हमारी कंट्री में, अगर आपको पता हो 7 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो ये 7 यूनियन टेरिटरीज बेसिकली है क्या, तो ये यूनियन टेरिटरीज है, ये इतने स्मॉल साइज में है कि इन्हें जो है इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, और ना ही किसी और स्टेट, कल्चरली इतने डाइवर्सिफाइड है कि इन्हें किसी और स्टेट के साथ जो है आप मर्ज भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम बात करें चंडीगढ़ की, हम बात करें लक्षद्वीप की, हम बात करें अंडमान की, हम बात करें पौंडीचेरी, दमन दीव। ठीक है, तो ये सब क्या है, कल्चरली इतने डाइवर्स है कि इन्हें आप इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, और किसी और स्टेट के साथ इन्हें मर्ज भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में जो ये यूनियन टेरिटरीज है यहाँ पे गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, यहाँ पे जो कि हमें पता है सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेना है, डेवलपमेंट करवाना है, वो सब कौन करवाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में दूसरा एस्पेक्ट किसका जाता है, पहला तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट वाला, दूसरा यूनियन टेरिटरीज का।
इसके बाद अगर कोई भी बिल है या कोई भी ड्राफ्ट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, हम सभी जानते हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है। तो एक बार हम ऑलरेडी ये पॉइंट पढ़ चुके हैं कि कोई भी बिल है या कोई भी ड्राफ्ट है, अगर कोई चाहे कि यूनिलैटरली उसे प्रपोज करके पास करवा दे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में जो दो हाउसेस है, अगर कोई भी गवर्नमेंट सोचे कि ये कोई बिल है या कोई भी एक्शन जो है कंट्री के लिए मुझे लेना है, तो वो यूनिलैटरली नहीं कर सकता, आइसोलेटेड फॉर्म में वो नहीं कर सकता। वो सोचे कि मैं अकेले ही काम करवा दूँ तो नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो बिल होगा वो लोकसभा में निकाला जाएगा, और उसमें वहाँ पे अगर जितने भी मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी से अगर एग्री करते हैं कि हाँ ये जो भी चीज़ आप लेकर आए हो, जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, जो भी रनिंग गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एग्री कर उस जो भी प्रपोजल देगी लोगों के सामने, अगर वहाँ पे बैठे हुए मेंबर्स एग्री करते हैं मेजॉरिटी में कि हाँ ठीक है, तो ये बिल कहाँ जाएगा? आगे राज्यसभा में। राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद फिर क्या होगा, पूरी कंट्री में बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा कुछ जो है चेंजेस जो है गवर्नमेंट लेकर आने वाली है, ठीक है। इसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि जो भी चीज़ या जो भी प्रपोजल यहाँ से आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे जो भी लेवल्स हैं, यूनियन और स्टेट लेवल्स, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वो अपने हिसाब से जो भी अपने पर्टिकुलर एरिया में उनका एक्शन लेना होता है वो अपने हिसाब से लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों के अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है हमारी कंट्री में, जो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर फ्रॉड है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए बैठा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, दे ऑल आर आंसरेबल टू सुप्रीम कोर्ट। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू आस्क देम, स्टॉप देम, ठीक है। वो पूछ सकता है उन लोगों से कि आपने ये किससे पूछ खेल करा है, ये इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत है। ये सारी चीज़ें किसकी देखरेख में होती हैं? सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होती है। तो जितने भी एक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह काम भी करता है, और सबके ऊपर एक आई भी रहता है कि जो भी काम हो रहा है इंडिया के अंदर, जो भी काम हो रहा है वो लोगों के बेनिफिट के लिए हो, लोगों के बेनिफिट से जो भी चीज़ें आगे आ रही हो वो उससे हटे ना, उस ट्रैक से ना हटे, ठीक है। तो ये फोर एस्पेक्ट्स हैं जो क्या होते हैं, जो भी जो हमने अभी तक देखे फेडरलिज्म की जो भी लिस्ट है उसे थोड़ा सा डिफर करते हैं, और फेडरलिज्म ठीक तरीके से रन कर सके इंडिया में उसको सजेस्ट करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर से रिलेट करता है और एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म है, डिफरेंट टाइप्स है, इंडिया में है भी, पर प्रैक्टिस कैसे हो रहा है, वो कैसे होता है, वो अब हम देखेंगे। अब बेसिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया में फेडरलिज्म है, और हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, जितने भी लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन सबकी देखरेख करता है, ठीक है, ये हमें पता है। बट दिस इज नॉट सफिशियंट, ये काफ़ी नहीं है कि फेडरलिज्म सिर्फ इसके बेसिस पे सक्सेसफुली जो है काम कर सके, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो फेडरलिज्म को सक्सेसफुली रन कराने में ज़रूरी होती है, एंड दैट आर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसके बाद लोगों के अंदर का बिलीफ कि हाँ डिस्पाइट ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस वी वॉन्ट टू स्टे टुगेदर इन इंडिया, ठीक है। एक होप कि हाँ भले ही डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हमारी कल्चर जो हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो अलग हैं, पर क्या है, हम सेफ हैं इंडिया में, हम सेफ फील कर रहे हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पे इजिली रह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है, सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करती है, ठीक। अब फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो इंडिया की अगर हम मैप की बात करें, ठीक है, आप 1947 का मैप उठाइएगा और आज में 2006 या जो करंट मैप है इंडिया का वो देखिएगा, तो आपको डिफरेंस क्लियरली देखने को मिलेगा कि पहले स्टेट्स थोड़े डिफरेंट हुआ करते थे, आज की डेट में जो स्टेट्स फॉर्म्ड है वो डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स जो फॉर्म हुआ वो किस बेसिस पे हुआ, क्या क्राइटेरिया था उनका, वो हम देखते हैं। तो पहला तो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है, जब स्टेट्स फॉर्मेशन हुआ
एज वी ऑल नो इंडिपेंडेंस के बाद अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो भी लिंगुअल डाइवर्सिटी थी उसके बेसिस पे जो है स्टेट्स फॉर्म हुए थे. अब उसके बाद पाकिस्तान अलग हुआ, कई सारे रहे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी इंडिया में आके मर्ज हुए. जैसे जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट था वो इंडिया में मर्ज हुआ, स्पेशल पावर्स उसे मिले हुए थे जो कि अब वापस उसे ले लिए गए, वो हुआ. फिर हम बात करें जूनागढ़ की, वो भी एक प्रिंसली स्टेट था, हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट था, ये सब क्या हुआ इंडिया में मर्ज हुए. पर यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी कि एक टेंशन था लोगों के बीच में कि अरे इतने टाइप के लोग हैं, सबका रिलीजियस बिलीफ अलग है और हर इंसान का रिलीजियस बिलीफ एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी है. किसी भी रिलीजन में अगर किसी का कोई हीरो है तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे रिलीजन में वो एज अ एंटी हीरो या कुछ और उनको अगर लग रहा हो, वो बिलीव्स दे रहा हो उनको, तो ऐसे लोगों को साथ में कैसे लिया जा सकता है, कैसे उनको साथ में रखा जा सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए. लिंग्विस्टिक स्टेट्स में सबसे सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं देखेंगे, देखेगा कि कल्चरल आइडेंटिटीज क्या है, इन सब चीज़ों को मिला के. जैसे कि कोई नेटिव है किसी बिल्कुल जंगल वाले एरिया का, ठीक है, जैसे हम ट्राइब्स की बात करें, जो शेड्यूल ट्राइब्स है उन सब की बात करें, तो ये बेसिकली कहाँ रिसाइड करेंगे, द मिड्स ऑफ द जंगल्स. तो उन लोगों को वहाँ पे ही उसी आइसोलेटेड एरिया में रखना और उस आइसोलेटेड एरिया का डेवलपमेंट कराना. ठीक है, तो इस तरीके से जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ. एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं झारखंड, ठीक है, झारखंड हो गया, मिजोरम हो गया, तो उन्हीं रेस्पेक्टेड एरियाज में जो है उनका डेवलपमेंट कराना, उत्तराखंड के उत्ते उत्ते एरिया में जो भी उनके रिलीजियस बिलीफ है उनको वहां पे मेंटेन करना, प्रिजर्व करना और वहां पे डेवलपमेंट कराना. तो ये तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हुआ. अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स जब बन रहे थे तो कई लोग इसके फेवर में नहीं थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट, आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट में जो है उन्हीं स्टेट्स के जो भी नेटिव लैंग्वेज है वही बोलने वाले लोग रहे, बाकी और कोई वहाँ पे जाके रह नहीं सकता है. ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये लोग लड़ने लगे, बोले कि नहीं हमें स्टेट नहीं, हमें तो अपनी खुद की जो है एक कंट्री बनानी है. क्यों, एग्जाम्पल के लिए ले लें, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यूरोप की कई छोटी छोटी कंट्रीज बन जाती है, जितना स्टेट एक एक स्टेट जितना परसेंट इंडिया का एक एक स्टेट लैंड लिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा झगड़ा ना हो. कई सारे जो मिनिस्टर्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे फेवर में नहीं थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जाए, लोगों को उनके लैंग्वेज के बेसिस पे जो है रखा जाए. बट जो भी उनकी सोच थी उससे हटते हुए लोगों ने जो है, जैसे कि हमने देखा कि रिलीजियस डिफरेंसेस कहीं भी बीच में नहीं आए और लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जो भी उनके कल्चरल बिलीफ थे उनको प्रिजर्व करते हुए इंडिया को आगे लेने की कोशिश करी और एक बोलना चाहिए एक यूनाइटेड इंडिया बहुत अच्छी तरीके से जो है फॉर्म हुआ, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि वी हैव महाराष्ट्र इज मराठी मराठी स्पीकिंग पीपल, गुजरात इज गुजराती स्पीकिंग पीपल, तमिलनाडु इज तमिल स्पीकिंग पीपल, पंजाब इज पंजाबी स्पीकिंग पीपल. दीज ऑल आर डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, बट वेन एवर दे आर आस्क्ड व्हाट इज योर नेशनल आइडेंटिटी, व्हाट दे से इज कि वी आर इंडियंस. तो ये चीज़ें कहीं मैटर नहीं करती कि आप गुजराती हैं, बंगाली हैं, आप क्या बोल रहे हैं, वो मैटर नहीं करता. आप इंडिया के किस स्टेट में रह रहे हैं वो मैटर नहीं करता, अनटिल एंड अनलेस यू हैव द फीलिंग इन यू कि यू आर एन इंडियन. ठीक है, तो पहला है फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस हुआ कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए और लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना एक फेवरेबल जो है स्टेप रहा गवर्नमेंट का कि हाँ एक अच्छा रहा कि क्यों, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर ग्रुप था लोगों का जो अपनी रिलीजन अपना जो भी उनका कल्चरल ट्रेडिशंस थे फॉलो करना चाहते थे वो अपने उस एरिए में रहे और उस जो भी उनके ट्रेडिशंस थे उनको फ्लरिश कराने में उन्होंने एक रोल प्ले अच्छा रोल जो है प्ले किया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आई लैंग्वेज पॉलिसीज. ठीक है, अब लैंग्वेज पॉलिसी में क्या हुआ, जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला तो गवर्नमेंट ने कहा कि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है. ठीक है, ये बोला गया कि अब जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में होंगे. तो एक टेंशन हुआ ये कि इंडिया में हिंदी बोलने वाले जो है 40% लोग हैं. ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने हैं तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स में कुछ और लैंग्वेज बोली जा रही होगी तभी तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने हैं. जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है. ठीक है, तो अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा तो इन स्टेट्स में जो है काम कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो कुछ लोगों का ये फेवर था कि एक काम कीजिए जो भी ऑफिशियल वर्क, क्योंकि अभी तक तो इंग्लिश में ब्रिटिशर्स जब आए थे सारा काम इंग्लिश में होता था, तो जो भी ऑफिशियल वर्क लैंग्वेज है वो क्या रहने दीजिए, इंग्लिश रहने दीजिए.
हिंदी को एक साइड लैंग्वेज करके रखी है। हाँ, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर जो भी ऑफिशियल काम हो मैक्सिमम जगह पे वो इंग्लिश में रहने दीजिए, ठीक है। और जो भी रेस्पेक्टेड स्टेट्स है, लिंग्विस्टिक स्पेशली जो स्पेशल लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, वहाँ पे भी आप एक काम कीजिए कि जो भी ऑफिशियल वर्क हो वो इधर इंग्लिश, इधर हिंदी या उस स्टेट की रेस्पेक्टेड लैंग्वेज में काम करवाइए, ठीक है। तो आप किसी भी ऐसे लिंग्विस्टिक स्टेट पे जाते हैं जहाँ पे कोई दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ अदर देन हिंदी इंग्लिश वन मोर लैंग्वेज इज यूज्ड, दैट इज द रेस्पेक्टेड लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉलिसी ये हुई। अब इंडिया में हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस जो है गवर्नमेंट में जो सेक्शन 8 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है प्रिस्क्राइब करके रखी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट कोई गवर्नमेंट एग्जाम लिखता है तो वो चाहता है कि उसे हिंदी या इंग्लिश में एग्जाम अपीयर नहीं करनी, तो वो इन 21 लैंग्वेजेस में भी जो है जो भी उसे आती है उसमें जो है गवर्नमेंट एग्जाम वो अपीयर कर सकता है। अब इन 21 लैंग्वेजेस में आपकी उर्दू, सिंधी, डोंगरी, कश्मीरी, ये सारी लैंग्वेजेस, गुजराती, मराठी, औरैया, ये सारी लैंग्वेजेस जो है आपकी इसमें आ जाती है। बेसिकली अगर एक वो निकाला था, सेंसस निकाला था, तो इंडिया में 1400 लैंग्वेजेस जो है मिली थी। अब नॉर्मल किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर ले हम, तो वहाँ पे क्या होता है अलग अलग छोटे छोटे एरियाज में जो है लैंग्वेजेस डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम एक केस कंसिडर करते हैं एमपी का, तो एमपी में ही अगर हम देखें तो एमपी में आपको कुछ रीजन्स में जो है निमाड़ी लैंग्वेज बोलने को मिल जाएगी, कहीं पे मालवी बोली जाएगी, कहीं पे बुंदेलखंडी बोली जाएगी। तो ये सब जो है कल्चर लैंग्वेज डिफरेंसेस है, पर इन्हें जो है आप ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कंसिडर नहीं कर सकते। इन सबको किसके अंडर रखा गया है, हिंदी के अंडर रखा गया है, ठीक है। बाकी ऑफिशियली जो लैंग्वेजेस है जो गवर्नमेंट सैंक्शन करती है इंडिया की, वो 21 लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज के पीछे जो है कई बार इंडिया में जो है ट्रबल भी हुए हैं, झगड़े भी हुए हैं, राइट्स भी हुए हैं। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के लिए अगर हम केस कंसिडर करें तो तमिलनाडु का, तमिलनाडु में जब ये एक्शन लिया गया था कि सारे जो साइन बोर्ड्स हो वो हिंदी में भी हो, मीन सिर्फ हिंदी में हो, तो वहाँ के लोगों में काफ़ी जो है वो हो गया था कि नहीं वाई हिंदी, बिकॉज वी आर इधर वी कैन इधर स्पीक इंग्लिश और इधर वी कैन स्पीक तमिल, तो हिंदी का जो है आप यूज़ कम करें तो बेटर होगा क्योंकि हम इन दोनों लैंग्वेज के साथ जो है कंफर्टेबल हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने क्या सोचा कि अगर हम प्रेशर बनाएंगे तो हो सकता है जो भी झगड़े हो रहे हैं वो और बढ़े। एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ श्रीलंका कि वहाँ पे जो है जो भी उनका मेजर लैंग्वेज था वो चाहते थे कि वही जो है सिन्हाला, वो चाहते थे कि बुद्धिज्म ही प्रैक्टिस हो, दूसरी कोई लैंग्वेजेस फ्लरिश करे ही ना, तो वहाँ पे इसीलिए जो है सिविल वॉर ब्रोक आउट हुआ था। तो यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स ने थोड़ी सी अच्छी सोच दिखाते हुए कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि साउथ इंडिया में अगर हिंदी के साइन बोर्ड्स भी ना हो तो ठीक है, आप इंग्लिश में यूज़ कर लीजिए या जो भी स्पेसिफिक तेलुगु, तमिल, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं आप उसमें यूज़ कर लीजिए। आपको हिंदी नहीं भी पढ़नी है तो आप एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज जो है उसे रख सकते हैं, बट आपको आनी चाहिए क्योंकि इनकेस आप ऐसा तो नहीं कि उसी पर्टिकुलर एरिया में रहना चाहते हो, आप इनकेस इंडिया में माइग्रेट करते हो उन स्टेट से किसी और स्टेट में तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो है बेसिकली फॉर एन इंडिविजुअल टू लैंग्वेज शुड बी अ मस्ट इन इंडिया, दैट शुड बी इधर हिंदी और इंग्लिश। तो ये लैंग्वेज पॉलिसी थी जो क्या करती थी, फेडरलिज्म को सपोर्ट करती थी इंडिया में। इसके बाद एक और चीज थी, वो थी सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब सेंट्रल और स्टेट रिलेशन समझने के लिए थोड़ा सा जो है इंडियन पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा कि क्या होता था यहाँ पे। काफी टाइम तक इंडिपेंडेंस से लेकर काफी टाइम तक क्या होता था, जो गवर्नमेंट सेंटर में बनती थी वही मैक्सिमम स्टेट्स में जो है बना करती थी, ठीक है, ये चीज चलती आ रही थी। तो जो भी सेंटर गवर्नमेंट जो भी बनती थी वो क्या करती थी, अपने हिसाब से पावर दे देती थी कि हाँ चलो इस स्टेट में इतना डेवलपमेंट करा देना, इस स्टेट में इतना डेवलपमेंट करा देना, यहाँ करवाना नहीं करवाना, वो अपने हिसाब से सारे एक्शंस लेती थी। इन केस भूल से या कभी किसी स्टेट में लोगों को लग रहा है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट काम की नहीं है, थोड़ा सा हमें लेफ्ट विंगेड होना चाहिए, थोड़ी सी अलग सोच रखनी चाहिए, कोई नई गवर्नमेंट वहाँ पे बन गई, जैसे कि हम देखें कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जो इंडिया में अलग सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है हट के आई है, किसके बेसिस पे आई है, रिलीजन के बेसिस पे आई है, जैसे हम बात करें, या जो ट्राइब्स हैं उनके बेसिस पे आई, जैसे कि सपा की बात करें, बसपा की बात करें, तो ये सारी पार्टीज कैसे बनी है, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनी है, ठीक है।
ऐसे कई सारे स्टेट्स थे जहाँ पे क्या होता था, सेंट्रल से हटके गवर्नमेंट बनती थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी की गवर्नमेंट बनती थी और स्टेट में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बनती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था कि अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी कि अच्छा हमारी गवर्नमेंट तुमने अपने स्टेट में नहीं बनने दी, तो सारी जो खुन्नस होती थी वो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट पे निकाली जाती थी। किस वे में निकाली जाती थी कि जो भी पैसा, जो भी मनी सैंक्शन करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए किसी भी स्टेट को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हर स्टेट में डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ पैसा देती है। ठीक है, जब उनको लगता था कि हमारी गवर्नमेंट ही नहीं, हमारी पार्टी ही नहीं है स्टेट में, तो हम पैसा क्यों दें, तो इस तरह से क्या होता था, कई बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी बायस्ड हो जाती थी, ठीक से काम, डेवलपमेंट काम, डेवलपमेंट वाले काम जो है उन स्टेट्स में नहीं करवाती थी। ठीक है, अब ये काफी टाइम तक चलता रहा अंटिल द ईयर 1990, जब सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हुई। ठीक है, अब सेंटर में गवर्नमेंट कैसे चेंज हुई, जो अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट थी उनने सोचा कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हम जो है जाके सेंटर में गवर्नमेंट बना लें, तो क्या करना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी में एक और ऑप्शन देती है, वो है कॉलिशन। ठीक है, अब कॉलिशन क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज मर्ज हो जाए और क्या करें, सेंटर में जो है गवर्नमेंट बनाए, सब लोग मिल के आए और जो है सेंटर में गवर्नमेंट बनाए। आपने पढ़ा होगा, कभी सुना हो न्यूज में, यूपीए एंड एनडीए, तो ये यूपीए और एनडीए क्या है, गवर्नमेंट। अपर आपने नॉर्मल पार्टीज की बात करें तो आपने सुना होगा कांग्रेस सुनी, आपने आम आदमी पार्टी सुनी है, भाजपा सुनी है, सपा सुनी है, बसपा सुनी है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों क्या है, ग्रुप्स हैं, जहाँ पे एक ग्रुप में कांग्रेस, कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली कुछ छोटी पार्टीज, और एक ग्रुप में बीजेपी और बीजेपी को सपोर्ट करने वाली छोटी मोटी पार्टीज, इस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है बनती है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो है सिनेरियो था पार्लियामेंट का, जो सेंटर स्टेट रिलेशन था, वो धीरे धीरे जो है चेंज होना स्टार्ट हुआ कोलिशन गवर्नमेंट बनने के बाद। तो यहीं से डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो कि हमने कार्टून्स भी डिस्कस करे थे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो वो कार्टून से उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस चैप्टर में भी दो कार्टून्स हैं। पहला कार्टून है जो हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर थी हमारी कंट्री की, इंदिरा गांधी जी, उनका। तो इंदिरा गांधी जी जो है जब प्राइम मिनिस्टर थी, जो सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी वो उस पोजीशन पे रहते, उन्होंने जो वो खड़ी है और साथ में क्यू बनी हुई है, उस क्यू में काफी सारे लोग खड़े हुए हैं जो किसके लिए वेट कर रहे हैं कि उनकी जो भी थाली है उसमें जो थोड़ा बहुत पावर जो है वो थोड़ा आगे उनको देती जाए। तो वो जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, जिन पर्टिकुलर स्टेट्स को जो भी प्राइम मिनिस्टर है पावर्स अलॉट कर रही है, पावर्स अलॉट कर रही है, जो भी सैंक्शन करना है उन्हें अपनी पोस्ट पे रहते हुए वो चीज दे रही है। तो पहला कार्टून तो ये डिपिक्ट करता है। दूसरा कार्टून है आपका कोलिशन गवर्नमेंट से रिलेटेड, मतलब जो वो कुर्सी है, कुर्सी पे अलग अलग जो चार कुर्सी के पांव हैं वो अलग अलग गांव में अलग अलग पार्टीज के हैं, कोई बसपा का है साइकिल उस पे बना हुआ है, कोई किसी पे एलिफेंट बना हुआ है दैट इज बसपा, कोई दूसरी पार्टी है। ठीक है, तो ये चार अलग अलग पार्टीज हैं जिन्होंने मिलके किसको सपोर्ट करके रखा हुआ है। पीएम जो कार्टून है वो है हमारे लेट पीएम का, जो कि है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया चार अलग अलग पार्टीज ने मिलके कोलिशन बना के, तो दूसरा कार्टून इससे रिलेटेड है। ठीक है, कि आपको पावर किसकी वजह से मिला है, चार अलग अलग पार्टीज ने आपको सपोर्ट दिया हुआ है, कोलिशन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री, यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर वर्ड्स बाय डिस्कसिंग दिस थ्री टॉपिक्स की लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज वाले पॉलिसी अडॉप्ट की कि जो भी लैंग्वेज उस पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है, जो भी रिलीजियस बिलीफ है उन लोगों के, उनको साथ में रखो। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी की कोई भी सिंगल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाओ, जो जहाँ पे जो भी लैंग्वेज चल रही है उन लोगों को उसी में काम करने दो, उसमें उनको खुश रहने दो। और उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन बेटर हो सकते हैं, कई बार स्वीट हो सकते हैं, ये तो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं विद द गवर्नमेंट्स, द सेंट्रल स्टेट रिलेशन चेंज। तो दीस थ्री पॉइंट्स यू हैव टू डिस्कस व्हेन एवर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड टू यू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन समझने से पहले एक चीज समझते हैं इंडिया के बारे में, कि इंडिया के कई सारे स्टेट्स की बात करें तो कई सारे स्टेट्स, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र जो है जर्मनी के बराबर है, जर्मनी एक कंट्री है ठीक है, जर्मनी के बराबर महाराष्ट्र है। इसके बाद हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश जो है रशिया से बड़ा है ठीक है। तो जितने एरिया में कंट्री यूरोप में बनी है उतने में तो हमारा एक छोटा सा स्टेट बना हुआ है ठीक है इतनी। और बल्कि वहाँ पे तो पर्टिकुलर ये रहेगा कि हाँ एक रिलीजन फॉलो करने वाले लोग मैक्सिमम मिलेंगे, पर हमारे यहाँ तो एक स्टेट में इतने सारे लोग मिल जाते हैं कि इसकी रिलीजन अलग होगी, कोई बुद्धिज्म होगा, कोई जैन होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, इतने सारे जो है रिलीजियस प्रैक्टिस या बिलीफ वाले लोग जो है देखने को एक पर्टिकुलर स्टेट में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखती कि यहाँ पे क्या है, अगर आप सिर्फ फेडरलिज्म प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो है सफिशियंट नहीं होगा। आप सोचेंगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को देख लेगी इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में, तो ये सही नहीं है। तो इन पे देखने के लिए एक और चीज़ की जरूरत थी कि उस पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट बने ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि पावर वॉज टेकन फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी पावर मिले हुए थे फेडरलिज्म की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को वो ले लिया गया था, एंड वॉज गिवन टू द लोकल बॉडीज ठीक है। तो जो भी पावर था वो किससे ले लिया गया था, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिया गया था, और जो भी लोकल बॉडीज थी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। ये आपकी डेफिनेशन फॉर्म कर देगा किसकी, डिसेंट्रलाइजेशन की। इन केस एग्जाम में 1 मार्क में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, सो यू शुड बी राइटिंग दिस डेफिनेशन दैट वुड बी सफिशिएंट कि पावर वाज टेकन, ए पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोकल बॉडीज। नाउ व्हाट आर दिस लोकल बॉडीज, दे आर इधर म्यूनसिपैलिटीज, दे आर द पंचायतीज ठीक है, या पंचायत सिस्टम आप इतना लिख देंगे तो दैट वुड बी सफिशियंट ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को या जो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा था उन्हें पहले से ही पता था कि इंडिया में बहुत सारे डिफरेंसेस जो है देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की। तो नजर रखने के लिए सिर्फ ये दो बॉडीज अगर हम रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो ये सफिशियंट नहीं होगी, एक और बॉडी जो है हमें एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो फिर जो है 1992 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसे फिर से एक और बार अमेंड किया गया और बोला गया कि एक और टाइप की गवर्नमेंट बनाइए जो लोकल गवर्नमेंट होगी, जो छोटे छोटे विलेजेस डिस्ट्रिक्ट्स में जो है काम करेगी, एक्शन लेगी ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक और बॉडी सेटअप हुई और उसने जो छोटे छोटे रिस्पेक्टेड एरियाज थे वहां पे काम करना, डेवलपमेंट का काम देखना स्टार्ट किया। जैसे कि विलेजेस में बात करें तो पंचायत सिस्टम होता है, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एरियाज में जो है अलग अलग गवर्नमेंट जो है बनाई जाती है ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन जब हुआ तो उसकी कुछ पॉलिसीज रहे। पहला क्या रहा कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे करवानी है। पहला तो मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन इन लोकल बॉडी, तो कंपलसरी कर दिया कि जो भी लोकल बॉडीज बनी जैसे पंचायत बनी है, तो जैसे हर स्टेट में जो है हर 5 साल में इलेक्शन होता है, इसी तरह पंचायत के भी हर 5 साल में इलेक्शन करवाना कंपलसरी है। तो जो भी पंचायत में 5 लोग बैठेंगे उनका एक हेड होगा सरपंच, वो सब इन सब के भी जो है इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं तो कंपलसरी इलेक्शन करवाना। इसके बाद जो है नेक्स्ट था सीट्स रिजर्व करना। अब ये सीट्स किस तरह से रिजर्व करना है कि जो भी लोकल बॉडी बनेगी उसमें जो भी एग्जीक्यूटिव पोजिशन होगी, जो भी हेड की पोजिशन होगी, जरूरी नहीं कि एरिया किस तरीका का हो, मतलब ऐसा भी सकता है कि वहां पे रहने वाले मैक्सिमम जो भी लोग होंगे वो शेड्यूल ट्राइब को या शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या करना सीट्स रिजर्व करना कि वो सिर्फ जो है नीचे का काम ना देखे, उनके भी पास पावर हो कि वो भी ऊपर उठ के आए, वो भी कभी सरपंच बने ठीक है, डेवलपमेंट का काम देखे, आगे प्रोग्रेस करवाए ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो है SC ST या OBC इन लोगों के लिए क्या करना सीट्स रिजर्व करवा के रखना। इसके बाद नेक्स्ट था कि जो भी वुमेन्स हैं उनके लिए 1/3 रिजर्वेशन रखना, कि जितना भी ग्रुप है उसमें कुछ औरतें भी तो आए, क्योंकि डेवलपमेंट पे दोनों सब मेल फीमेल जो है दोनों मिलके साथ में डेवलपमेंट का काम करवाते हैं ठीक है। तो बाइस ना हो गवर्नमेंट, इसलिए वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन करवाना। इसके बाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना। आप सभी जानते हैं लास्ट ईयर की जो 9th की जो भी सिलेबस है उसमें आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है ठीक है। तो इंडियन इलेक्शन कमीशन के अलावा जो सेंट्रल लेवल पे उसके अलावा स्टेट्स में भी इलेक्शन कमीशन फॉर्म करवाना, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन किस पे नजर रखेंगे, जो भी लोकल बॉडीज में इलेक्शन होते हैं उनके ऊपर नजर रखना, ये इन लोगों का काम था ठीक है। इसके बाद स्टेट्स जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट आती है
वो स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी पावर मिला है उसे, जो भी रेवेन्यू उसको मिलता है, वो सारा रेवेन्यू, वो सारा पैसा, पावर वो किसके साथ शेयर करेगी? जो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होगी उनके साथ शेयर करेगी, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज किसके अंडर आएंगी? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगी। तो इसलिए उनको उनके साथ जो भी चीज़ें होंगी वो शेयर करनी होगी, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में जो है डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन के पॉइंट्स से एग्जाम में इनके हिसाब से पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन कर देना, सबसे पहले यू हैव टू राइट द डेफिनेशन कि ये होता है पावर जो है शेयर किया जाता है, या पावर ले लिया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लोकल बॉडीज में। उसके बाद जो है ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं ये आप इसमें लिख सकते हैं। अब जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो कितने टाइप्स की हैं वो इसके बाद हम देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि लोकल बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो सेटअप होती हैं लोकल एरियाज में। अब लोकल बॉडीज किस तरीके से बनती हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक छोटा सा गांव, ठीक है, एक विलेज। अब विलेज में क्या बनेगा? एक पंचायत सिस्टम बनेगा। पंचायत क्या होगा? काउंसिल ऑफ सेवरल बोर्ड मेंबर्स, ठीक है। कुछ एक्टिव लोग होंगे जो कोई रिटायर्ड, कोई आर्मी ऑफिसर हो या कोई भी हो, भले ही वो अनएजुकेटेड हो, बट उसमें स्पीकिंग स्किल्स हो अच्छी, डेवलपमेंट की सोच हो, उसकी सोच अच्छी हो, तो वो इंसान भी जो उस वार्ड का जो है मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो ये सब आगे आएंगे और पंचायत बनाएंगे, ठीक है। अब इनको क्या कहा जाएगा? बेसिकली 5 पीपल दे आर, तो दे आर कॉल्ड पंच, ठीक है। अब इन 5 लोगों का एक हेड होगा जिसको बोला जाएगा सरपंच, ठीक है। ये बिल्कुल 0 लेवल से, ग्राउंड लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि एक विलेज, विलेज में पंचायत, पंचायत कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, उनका एक हेड होगा हु वुड बी द सरपंच, ठीक है। अब पंचायत जो वही जो पंचायत बनेगी ये किसके अंडर काम कर रही होगी? ग्राम सभा के अंदर, ठीक है। अब ग्राम सभा के अंदर कितने लोग होंगे? जितने भी वोटर्स हैं उस विलेज में वो सब क्या होंगे? ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब जो ये पंचायत बनेगी, हर 2 से 2.5 साल के बीच में यहाँ पे क्या होगा? एनुअल मीटिंग होगी जिसमें बजट प्लान होगा कि गांव में यहाँ हैंडपंप बनवाना चाहिए, इरिगेशनल फैसिलिटीज के लिए यहाँ ट्यूबवेल लगना चाहिए, गांव के अंदर की सड़कें इस तरीके से होनी चाहिए, जो भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट वहाँ पे क्या डेवलपमेंट करवाना है, जो भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट करवाना है, ये सारी चीजें जो है पंचायत देखेगी, ठीक है। अब क्या देखेंगे? कुछ जो ग्राम पंचायत है, कुछ अगर 4-5 ग्राम पंचायत है, उससे ज्यादा नंबर की पंचायत अगर आके मिलती है तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगी? पंचायत समिति या ब्लॉक या एक मंडल, ठीक है। तो काफी सारे गांव के लोग अगर मिलके आके, काफी सारी उनकी पंचायतें अगर कंबाइन होगी, कोलिशन होगा, तो वो बनाएंगे पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, ठीक। तो 2 फॉर्म हो गए, पहला ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद बनेगी पंचायत समिति, ठीक है। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की होगी ये पंचायत समिति, ठीक। तो ढेर सारी पंचायत समिति या काफी सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की पंचायत समिति अगर आके मिलती है तो वो क्या बनाएंगी? एक जिला परिषद, ठीक है। ये जिला परिषद बनाएगी। डिस्ट्रिक्ट इस डिस्ट्रिक्ट को ही हिंदी में जिला बोलते हैं या जिला बोलते हैं, ठीक है। तो ये जिला परिषद बनेगा। जिला परिषद का कोई भी एमएलए अगर हम बात करें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा का, वहां पे जो है इसका मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा एक गांव के बेसिस पे हम बात करें कि गांव में इस तरीके से जो है काम होता है, सबसे जो ऊपर हेड होगा वो जिला परिषद का होगा। इसके बाद अगर हम सिटीज की बात करें तो सिटीज में क्या होंगे? म्युनिसिपैलिटीज होंगी, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कोऑपरेटिव्स, इन सब का जो हेड होगा, म्युनिसिपैलिटीज का जो हेड होगा, जैसे हमने यहाँ पे जिला परिषद देखा था, यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट का काम देखेगा सिटीज में अगर हम बात करें तो वो होगा मेयर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिसेंट्रलाइजेशन में जो लोकल बॉडीज है वहां पे पावर डिवाइड किया हुआ है कि इतने इतने एरिया में जो है, जैसे सिटीज में हम देखते हैं, आप लोगों को पता होगा ये वार्ड है, इस वार्ड में इतना इतना काम करवाया है, इस वार्ड का जो है ये पार्षद है, ये सारे वर्ड्स कहाँ पे आते हैं? म्युनिसिपैलिटीज में आते हैं। और बाकी जो यहाँ पे हम देखें पंच, सरपंच, ये सब कहाँ पे आते हैं? ये सब गाँव में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लोकल बॉडीज जो है गवर्नमेंट ने छोटे छोटे एरियाज में सेटअप करके रखी है कि वहाँ की जो भी डेवलपमेंट वाली चीजें हैं वो कौन देख के रखे? उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो उस वहाँ के डेवलपमेंट वाले काम देखे। अब बेसिकली फेडरलिज्म के हिसाब से जो पावर शेयरिंग दी हुई है वहाँ, उस हिसाब से जो भी काम हो रहा है वो अच्छे तरीके से जो है होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अच्छी तरीके से डिविजन करके रखा है। पर क्या होता है कई बार, जैसे कि हमने देखा सेंट्रल स्टेट रिलेशन अगर अच्छे नहीं हो तो स्टेट में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या फिर स्टेट और लोकल बॉडीज में अगर रिलेशन अच्छे नहीं हो
तो वहां पे भी क्या होता है, अगर सही से रेवेन्यू स्टेट जो है लोकल बॉडीज को नहीं दे पा रही है, तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, उस पर्टिकुलर विलेज का भी कई बार क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जैसे आज की भी हम बात करें तो इंडिया में ऐसे कई सारे विलेजेस हैं जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे रोड सही से नहीं बनी हुई है। तो ऐसे कई केसेस में जब गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस स्टेट में क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उन एरियाज में क्या होता है, फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेना स्टार्ट करती है। वहां पे फिर जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमारी जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट चल रही है पीएम मोदी की, तो उन्होंने क्या करा कि हाँ, सबसे पहले जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड उन्होंने करवाना स्टार्ट की कि हर घर में क्या होना चाहिए, विलेजेस में जो कि रेयरली देखने को मिलती थी, टॉयलेट्स हर घर में होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने नहीं सॉरी, ये पुरानी गवर्नमेंट का एक्शन था कि जो लोकल विलेजेस थे वहां पे सड़कें नहीं होती थी, तो उन्होंने जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट की, जिससे जो भी रूरल एरियाज थे जहाँ पे बिल्कुल भी सीमेंटेड रोड्स नहीं होती थी, तो गांव के अंदर जो है सीमेंटेड रोड्स रहे, ताकि बारिश हो या ऐसा कुछ सीजन है जहाँ पे कीचड़ फैलने की ज्यादा वो चांसेस हो, तो उन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए लोगों को व्हीकल आने ले जाने में ईजी हो, उसके लिए उन्होंने सड़क का डेवलपमेंट करवाना स्टार्ट किया, एजुकेशन फैसिलिटीज देने, एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना स्टार्ट की, हेल्थ फैसिलिटीज देना प्रोवाइड करवाई, हेल्थ फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करवाई। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है स्मूथली रन कर पा रही है फेडरलिज्म की वजह से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फेडरलिज्म। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, फेडरलिज्म के जो रूट्स हमने देखे थे कि होल्डिंग टुगेदर और स्टैंडिंग टुगेदर, ये वाले फेडरेशन, उसके बाद फेडरलिज्म इंडिया में किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में कैसे है, फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपसे इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर न्यू चैप्टर फ्रॉम योर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। थैंक यू।